एडा सोखा काम नहीं कोई। हाँ जी मेहनत कितनी करनी है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं तो शाहिद महमूद, मैं गुजर रहा था रास्ते में, मुझे ये लकड़ी नजर आई, काफी ज्यादा लकड़ी। मैं आपको दिखाता हूँ, काफी ज्यादा लकड़ी है। आपको ये देखिए, इधर सारी लकड़ी ही लकड़ी है। ये देखिए, लकड़ी का बाजार है, ये सारी इधर लकड़ी ही लकड़ी है। अगर आपने लकड़ी लेनी हो तो इधर आ सकते हैं। और साथ में नहर भी जा रही है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, पानी की नहर जा रही है और इधर काफी ज्यादा ट्रैफिक भी जाती है। ये देखिए गाड़ी वाले कैसे जाते हैं, ट्रालियों वाले। मैं आपको दिखाता हूँ नहर। ये देखे साथ में नहर भी चल रही है, उधर से आती है ऐसे। और ये सारा लकड़ी का बाजार ही बाजार है। कोई लकड़ी का सामान आपने लेना हो तो इधर से ले सकते हैं। ये देखिए, मैं कोई इधर से भी दिखाता हूँ, सारी लकड़ी है। देखिए देख सकते हैं लकड़ी की लकड़ी, जैसे रेत भी निकाल के लाते हैं, ये ट्रालियों से जाती है और रेत भी निकलती है, रेत की इधर से जाती है, रेत को लेके जाते हैं। चले मोटरसाइकिल उधर खड़ा है, मोटरसाइकिल पर बैठते हैं और घर चलते हैं। और आज मैंने बनाने हैं टेबल, लकड़ी से याद आ गया कि आज टेबल 3 बनाने हैं, वो भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम जा रहे हैं घर, उधर बनाएंगे टेबल बना के, तो फिर आपको दिखाता हूँ। मैं आज का चैलेंज है, मैंने 3 टेबल बनाने हैं। तो चलिए मैं घर चलता हूँ, ये मोटरसाइकिल मेरी खड़ी है, ये देखिए मैं बैठने लगा ऊपर। चले फिर घर जाके आपसे मिलते हैं। अभी नाश्ता भी करने, नाश्ता करके फिर बनाऊंगा टेबल और आपको दिखाऊंगा। तकरीबन आज सारा दिन टेबल बनाने में गुजर जाएगा, तो आज का व्लॉग तो टेबलों के नाम होगा। चले फिर चलते हैं घर। अच्छा फ्रेंड, घर में मैं आ गया हूँ, तो आज बना के दिखाता हूँ आपको टेबल। जबरदस्त टेबल बनाऊंगा। इंसान जो चाहे कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, इंसान हिम्मत करे तो सब कुछ कर सकता है। ये मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा टेबल। आज का मेरा चैलेंज है, मैं 3 टेबल बनाने हैं। मैंने आपको 3 टेबल बना के दिखाने हैं। उसके लिए क्या क्या चाहिए, उसके लिए हमको चाहिए एक हथौड़ी, एक आरी, एक प्लास, पेचकस और कील। ये 2 इंच के कील हैं, 1.5 इंच के कील, और 1 कील जो लकड़ी को मजबूती से लगाएंगे तो हिलेगी नहीं, बाद में पकड़ कर लेगी। तो चले शुरू करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लकड़ी वगैरह मैंने काट ली है, ये देखिए आप, सारा मैंने सामान ये आरे से कटवा ली, ये लकड़ी और ये मैंने कुछ काट लिया, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने काटी है। तो चले शुरू करते हैं, अब इनको कील लगाएंगे और बराबर बना के मैं आपको दिखाता हूँ। चलो बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं, उनको आपको बना के दिखाता हूँ। और एक मार्कर जो भूल जाता है, ये देखिए ये मार्कर नीचे लिख दी है, ये वाली मार्कर निशान लगाएंगे कितने इंच कितना काटना है वो सारा। चलो तो शुरू करते हैं। एडा सोखा काम नहीं कोई। हाँ जी मेहनत कितनी करनी है गाइस। ऐसी हमने तकरीबन 9 लकड़ियां काटनी है और ये 13.5 इंच की लकड़ियां काटेंगे। इससे उसको ऊपर रख के लगा लेते हैं निशान, फिर उसको काटे। ये देखिए इधर से मैंने निशान लगा लिया, इसको भी काटते हैं आरी के साथ, ऐसे इधर रख लेते हैं। बिस्मिल्लाह, ये आरी पड़ गई है। इतना आसान काम नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। चले बस हो गई अभी। हो गई, चलो ऐसी तकरीबन हमने 9 और काटनी है, काट के फिर आपको दिखाता हूँ। ये लगेंगे इधर ऐसे, ऊपर नीचे सारा सही हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, अभी ये मैंने 5 पीसेस काट लिए हैं और अभी 2 उधर पड़े हैं, 3 और ये 5 हो गए और एक ये 6 हो जाएंगे तकरीबन। ये हम काट रहे हैं 18 का ये, और 18 की लंबाई होगी इसकी और 14 इसकी चौड़ाई होगी।
ये टेबल के नीचे लगेंगे, इन पाओं की जगह ये बनाएंगे। चलो आसान काम तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। चलो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते, इसको भी पकड़ के बनाएंगे, दिखाएंगे टेबल। आसान नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह करके दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। काटना शुरू मैंने कर दिया। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंसान क्या है तो हर कुछ हर काम कर सकता है, बस थोड़ी मेहनत और कोशिश और लगन की जरूरत होती है। थोड़ा सांस रोकते हैं, फिर आराम करते हैं, फिर शुरू करते हैं। आराम आराम से करेंगे तो मंजिल को पहुंचेंगे, अगर जल्दी जल्दी करेंगे फिर थक जाएंगे। चलो भाई 1 2 3 रेडी भाई, अगर ले जी मैंने काट लिया, ये देखो 4 पीस ये हो गए और 2 उधर पड़ गए, 6 पीस और नीचे आप बनाएंगे इंशाल्लाह पहला टेबल, और टेबल आपको बना के दिखाएंगे। चले अभी बनाते हैं टेबल, दूसरे पीस भी आपको दिखाता हूँ जो काट के लेके आया हूँ। आ रहे थे 3 पीस, वो बड़े मैंने कटवाए हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। चले अच्छा फ्रेंड, ये लकड़ियाँ और ये लकड़ियाँ सारा सामान मैंने तैयार कर लिया, कील वगैरह मैंने रख ली है, और अभी ये जो लकड़ी है ना ये वाली, इसके ऊपर एक तरफ लगाऊंगा ऐसे, ऐसे ऊपर लगेगी एक तरफ, और एक जो है ऐसे लगेगी, ऐसे लगाऊंगा। चलिए अभी लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। इसको लगाता हूँ ऐसे, एक रख के कील, 1.5 इंच का कील लगाऊंगा इसके इधर में। पहले ग्लू भी थोड़ा लगाएंगे, ऐसे ग्लू लेंगे थोड़ा सा, ऐसे ग्लू लगा लेंगे थोड़ा, ऐसे हाथ से कर लेंगे कि सारा ग्लू अच्छी तरह से लग जाए और चिपक जाए। ग्लू लगा के फिर इसको कील लेंगे, कील के साथ इसको अच्छी तरह से लगा देंगे। ये लें 1.5 इंच का कील, इसको रखेंगे इधर इसके साथ ऐसे, इसको करेंगे ऐसे बराबर, दोनों दरमियान में रखेंगे, दरमियान में, इधर से भी दरमियान में, इधर से भी दरमियान में, के बाद में खड़ा होने में इसको कोई मसला ना हो। पहले लगाएंगे इसको इधर की, इसको लगाते हैं 2 इंच का, ये छोटा आ रहा है तो 2 इंच का कील लगाते हैं इसको। ओ किधर गिर रहा है तू, इसको लगाते हैं 2 इंच का कील, 2 इंच का ना लंबा जाएगा तो सही मजबूती हो जाएगी इसके अंदर, बिल्कुल वो छोटा आ रहा था तो फिर बाद में निकल जाएगा। सेंटर में रख के लगाएंगे ना, उधर से निकले ना इस तरह से, ऐसे थोड़ा हल्का हल्का मारेंगे ना, जब नीचे चला जाएगा पता चल जाएगा कि सेंटर में है कि नहीं। अभी देख लेंगे नीचे से सेंटर में आ रहा है कि नहीं, देखिए अभी निकला नहीं, अभी जब निकल जाएगा तो पता चल जाएगा। ये देखिए अभी आ गया, अभी इधर देख लेंगे कहाँ पे सेंटर में आ रहा है, इधर रखेंगे इसको ऊपर और फिर इसको ये ले ना, उधर से निकला ना इधर से बराबर सेट हो गया। ठीक है अभी 3 कील लगाएंगे हम, ये दूसरा लगाने लगाऊंगी इसको भी ऐसे, अभी इस तरफ का लगा लूंगा कि एंड पे सेंटर पे लगाऊंगा, इस तरफ लगाएंगे फिर सही है पता चल जाएगा ना। चलो बिस्मिल्लाह, ले अभी सेंटर में लगाता हूँ, सेंटर में आपने देख लेना जहाँ पे ये लगे हैं इसी हिसाब से उनको भी लगा देना है, बिल्कुल सिर के दोनों तरफ हाथ लगा के देख लेना कहीं से निकले ना,
घुसना इस तरफ से, निकलना उस तरफ से। ये ले, ये देखिए तीनों कील लग गए जबरदस्त। ये देखिए दरमियान में, और ये तीनों कील लग गए। ऐसे ही आपने सारों को मैं लगाता हूँ, लगा के फिर आपको दिखाता हूँ, फिर इसको भी लगा के दिखाऊंगा। ये देखिए दरमियान में आया, और ये देखिए। चलो मैं सारों को लगाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा फ्रेंड, ये देखिए मैंने सारों को लगा लिया। ये देखें इस तरफ भी लगा लिया, इस तरफ भी लगा लिया, और अभी ये एक रहता है, ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए नीचे मैंने आपको बताया था लगा के, और अभी इस तरफ आपको लगा के दिखाता हूँ। ऐसे इसको रखना है इधर, एक लकड़ी को रख लेना है इधर, और इसके ऊपर लगा लेना थोड़ा सा ग्लू। ऐसे ग्लू लगा लेना, लगा के तो इसको जो साइड साफ है वो वाली बाहर है, जो थोड़ी गंदी है वो अंदर कर लें ऐसे, ठीक है। ये देखे बड़ा ये आसान सा तरीका है, मुश्किल नहीं है इतनी ज्यादा। अगर के साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आसानी होगी, अल्लाह के फजल करम से। मेरी क्या औकात है, अल्लाह के फजल करम से। चलो जी आपको बता रहा हूँ, बड़ी इजी तरीके से ऐसे रख लेना, ऊपर एडजस्ट कर लेना, और एक कील को पकड़ लेना ऐसे, और ये देखे बिल्कुल लेवल करके इधर लगा देना, बिस्मिल्लाह ऐसे कर लेना लेवल, ऊपर थोड़ा सा बदन डाल देना और ऐसे लगा देना। एक लग गया, फिर इस तरफ लगा लें, दरमियान में नहीं लगाना, इस तरफ लगाए, इस तरफ लगाएंगे तो फिर ये एक जगह पे ठहर जाएगा। ये लेना ऐसे थोड़ा, ये लेना फिर दरमियान में लगा देना थोड़ा सा साइड पे, तीन लग गए चार लगा लो आपकी मर्जी है, जितना मजबूत करना चाहे मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही है ना आप लोगों को? ये देखिए अभी आपको समझ नहीं आएगी, जब बना के दिखाऊंगा ना फिर आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए सारे तैयार हो गए, ये देखिए दो तीन चार, और अभी ये इसके नीचे रखूंगा और ऊपर इनके लगाऊंगा की, ऐसे रखूंगा दोनों को, ऐसे रख के इसके ऊपर ये रखूंगा टेबल, और इसको कील लगा दूंगा इस साइड पे। पहले निशान लगाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, रख के तो कील लगा के टेबल हो जाएगा तैयार जबरदस्त। साथ में एक लकड़ी इधर दरमियान में लगा दूंगा कि इसका लेवल बराबर हो जाए, और ये ले लें सही। अच्छा गाइस अभी मेन टेबल का आपने पीस ले लेना ये वाला, और इसको 9 इंच इधर से छोड़ देना, 9 इंच इधर से इंच टेप ले लेना, दरमियान में रख के 9 इंच का इधर टिक लगा देना, 9 इंच का टिक लगा देना इधर से, और 9 इंच का लगा देना इधर से, ठीक है। ऐसे 9 इंच का बिल्कुल लगा के इधर से आप बिल्कुल जबरदस्त हो जाएगा। 9 इंच का लगाया इधर से, ये देखिए 9 इंच इधर से और 9 इंच इधर से, 9 इंच का इधर से लगा दिया, और आपने इधर से लगा देना है 5.5 इंच इस तरफ, 5.5 इंच इस तरफ, 5.5 इंच इस तरफ, और 5.5 इंच इस तरफ। ऐसे निशान लगा के आपने जो पीस ये वाला नीचे लगाने है ऐसे पकड़ लेना है इसको, जो साफ गंदी साइड है वो अंदर कर लेनी है, ऐसे ऐसे लगेगा तो उसको ऐसे रख लेना है। पीछे जो निशान लगाया उसके ऊपर इस तरफ से बराबर करके निशान, और मार्कर से आपने निशान लगा देना, ऐसे निशान लगा देना सारे को, मार्कर से जबरदस्त तरीके से निशान लगा देना, उसको भी लगा देना, उस तरफ से जो रखना है उसको भी लगा देना, जो सारा गंदी है वो अंदर कर लेंगे। ये देखिए ऐसे ये जाएगा अंदर, ऐसे ऐसे रखा, वो जो निशान लगाया था ऐसे साइड के निशान भी देख लेने, ये आ रहा है इधर इस तरफ से इधर, पीछे वाला भी निशान देख लेना, यहाँ पे टिक लगाया दरमियान में सेंटर में बिल्कुल, इधर से भी देख लेना और ऐसे टिक लगा देनी है। समझ आ रही होगी आपको, ऐसे लगा देनी है, ऐसे टिक लगा देनी है, इन सारों को निशान रख के सारों को टिक लगा देनी, ठीक है। समझ आ रही है आपको, बिल्कुल ऐसे 5.5 इंच इधर से, 5 इंच इधर से, 9 इंच 9 इंच इधर दरमियान से ऐसे टिक लगा देनी है, और बाद में इनको पकड़ लेना इधर रखना है, और इस हिस्से पे लगा देना है गिलू आपने, एक हिस्से पे लगा देना है गिलू, जहाँ पे लकड़ी आपने जहाँ पे कील लगानी है ऐसे जबरदस्त इसको लगा देना है गिलू, दोनों तरफ से गिलू लगा देना ज्यादा से ज्यादा, ऐसे गिलू लगा देंगे, गिलू लगा के आपने ये पकड़ लिए और ऐसे रख लेनी है इसके ऊपर, ठीक है।
दोनों तरफ से जबरदस्त से ऐसे ऊपर रख देनी है इसको, ठीक है, ये देख, और ऐसे ये भी रख देनी है, इसको भी गिलू के ऊपर रख देना है। ये गिलू पकड़ लेगा इसको थोड़ा सा, ये देखें दोनों तरफ से बिल्कुल जो है दोनों तरफ से सही कर लेना, बिल्कुल इधर ही अपने बिल्कुल इनका मिजान कर ले रहे हैं, और ये उल्टा होगा तो टेबल हो जाएगा तैयार। बताएं फिर अभी थोड़ा खुश करता है तो तेल लगा के भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा फ्रेंड अभी तेल लगाने हैं तो 9 इंच इधर से छोड़ निशान लगा देना, ये देखिए आप 9 इंच पे था इधर, इधर रख के निशान लगा देना, एक निशान इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, ये देखिए 9 इंच पे इधर भी लगा दिया, ठीक है। और एक लकड़ी पकड़ी ऐसे ऐसे लकीर खींच दी, ये लो जी लकीर खींच दी और तेल पकड़े और लगाए, अभी तो मुश्किल ही नहीं होगी तेल लगाने, देखो जबरदस्त जितने तेल आप लगाना चाहे लगा सकते हो। इधर निशान पे रखा बिस्मिल्लाह पर पड़ा और तेल लगा दिया, ये लो जी बिस्मिल्लाह पड़ा और तेल लगा दिया, ये लो बिस्मिल्लाह पड़ा और तेल लगा दिया, ये लो बिस्मिल्लाह पड़ा और इस तरह ही ऐसे लगा दिया, ऐसे पकड़ा बिस्मिल्लाह पड़ा, ये लो पीछे से हाथ रख के लेना, बाहर से मिल जाए तो उधर छोड़ देते, दूसरी तरफ हाथ लगा देते, ये लो जी इधर भी बिस्मिल्लाह पड़ा और तीन लगा दे, ले ले इतनी सी बात और ये बिल्कुल जबरदस्त तरीके से तैयार हो गया। और ये लकड़ी लगा देनी है दरमियान में आप लोगों ने, क्योंकि इससे सारी स्कोर होगी, अंदर नहीं जाएगी, टूटेगा नहीं टेबल, ये ले इसको ऐसे रखा इसके अंदर ऐसे इधर सेंटर में रख दिया, ऐसे बराबर कर लिया इनको आपस में लगा दो जहाँ पे ये बिल्कुल ठीक हो जाए और लचक ना रहे, ऐसे लगा दिया। पुल पकड़ा है अभी, पुल पकड़ना 2 इंच वाला, पहले लगाया था 1.5 वाला, अभी पकड़ना 2 वाला, इधर बैठ के और ऐसे लगा तो क्या पुल इसको बिस्मिल्लाह पकड़ बिस्मिल्लाह पकड़ के लगा देते हैं, ये ले लो जी, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगाया, 2 इस तरफ 2 उस तरफ लगा दी, आपका टेबल हो जाएगा बिल्कुल तैयार। थोड़ा सा इधर इस साइड में लगा पड़ेगा, बिस्मिल्लाह ले जी अब इस तरफ भी लगा देते हैं, अभी एक इस तरफ से लगाएंगे बाहर से तो बिल्कुल मजबूत हो जाए, बाहर से एक लगाएंगे कि ये हो जाए बिल्कुल मजबूत, कि इसकी मजाल ना हो कहीं पे जाने की, ले इस तरफ से मैंने लगा दिया, ये देखिए आप अभी इस तरफ भी लगा दूंगा, इसको ऐसे भी करके भी आप लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे उठा के भी लगा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं, ठीक है, ऐसे उठा के भी आप लगा सकते हैं इसको, ऐसे टेढ़ा किया थोड़ा सा इधर रखा ऐसे, ये ले जी लग गया, ये अगर ऐसे एक और लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं, मतलब ये मजबूत है अभी बिल्कुल सही हो गया, ये ले जी आपका टेबल हो गया बिल्कुल तैयार। अगर मैंने आपको कर दिया टेबल घर में तैयार जबरदस्त सा टेबल, तो इंशाल्लाह ताला बाकी टेबल भी तैयार कर लूँगा आपको फिर दिखाता हूँ एंड पे, अभी ये बिल्कुल एक बिल्कुल तैयार हो गया, सारे तैयार करके फिर मैं आपको सारे दिखाता हूँ। अच्छा फ्रेंड देखिए तीनों टेबल मैंने तैयार कर दिए हैं, सुबह का लगा हुआ था तकरीबन 9:15 हो गए हैं शाम के, तो तीनों टेबल मैंने तैयार कर दिए जबरदस्त तरीके से, ये देखे 1, 2 और 3,
और सारा दिन इसी में गुजर गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एक, ये दो और ये तीन, तीनों मैंने तैयार किए हैं, आप देख सकते हैं। और मेहनत थोड़ी करनी पड़ी, मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि मैं थोड़ा ये काम करता हूँ, तो फिर भी मैंने ये तीनों टाइम तैयार कर दिया, मैंने अपना चैलेंज कम्प्लीट कर दिया। तो आप लोगों से गुजारिश है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आपको अपने ईमान मेरे प्यार से जूत कीना भुगत और गुरु तकबर से अल्लाह ताला हम सबको बचाए, अपने ईमान रखे। अल्लाह हाफिज़।